हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट कि भैया जो एसएससी जेई है उसने एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया है। जी सर, बताया वो कल हम आपका वीडियो देख चुके हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स ये बात को जानते हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता चला है अभी तक वो लोग मेरा कल वाला वीडियो जरूर देख लें। मैंने गेट अकेडमी सिविल मैकेनिकल चैनल पर एक सेशन लिया था जिसके अंदर क्या बिग चेंजेस हुए हैं एसएससी जेई की तरफ से एग्जाम पैटर्न को लेकर, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी। अब वो जानकारी मैं थोड़ा सा अभी फिर से आप लोगों के बीच में यहां पर रख रहा हूं कि क्या चेंजेस हुआ है हमारे पास में क्या चेंजेस हुआ है। पहले तो देखो, पेपर वन की यदि अपन थोड़ी सी बात करें तो आपका जो पेपर वन है वो जैसा होता था वैसे ही होगा। मतलब टोटल 200 क्वेश्चंस आते थे तो वो आएंगे, 200 मार्क्स के लिए आते थे तो वो 200 मार्क्स के लिए ही आएंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर हो चुकी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की हो चुकी है, पहले कितने की थी? 1/4 की थी। तो इससे आपका फायदा हुआ या नुकसान? अरे भैया, इससे नुकसान हुआ है। पहले 1/4 की थी, मतलब पहले 0.25 माइनस होते थे आपके मार्क्स गलत क्वेश्चन करने पर, लेकिन अब 0.33 का माइनस होगा। Are you getting my point? तो इसको ध्यान रखना। तो आपका नुकसान हो गया नेगेटिव मार्किंग को लेकर। अगली बात कौन सी वाली कि भैया 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे और इतना नेगेटिव मार्किंग रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए यदि जो गलत करके आते हो। अब यदि इन 200 क्वेश्चंस की बात करें तो इन 200 क्वेश्चंस में से आपके 100 क्वेश्चन टेक्निकल रहेंगे और 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल रहेंगे, यह भी अपने को पता है। तो पेपर वन में कोई चेंज नहीं हुआ है, उसको लेकर निश्चिंत रहिए आप लोग। जो चेंजेस हुए हैं वो पेपर टू में हुए हैं, तो पेपर टू में पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, अब आ रहे हैं यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऐसा क्यों हुआ, उस मुद्दे पर मैं अभी आपके साथ में चर्चा करूंगा। इससे हमारा फायदा है नुकसान है उसके बारे में बात करेंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के लिए आएंगे? 300 मार्क्स के लिए आएंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए। नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 की यहां पर आपको देखने को मिलेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब एक क्वेश्चन गलत करके आओगे तो एक नंबर कट जाएगा एक्स्ट्रा में। एक क्वेश्चन गलत करके आए हो तो 3 नंबर तो गए, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन था उसमें पेनल्टी भी लग गई 1 नंबर की। तो 3 नंबर का वो क्वेश्चन, 1 नंबर की पेनल्टी, टोटल 4 नंबर का लॉस होता है यदि आप एक भी क्वेश्चन गलत करके आते हो। ये पेपर टू में 100 क्वेश्चंस, क्लियर है। अब यहां पर आप देखिए, जो हमारा आज का वीडियो का मेन डिस्कशन है, जो टाइटल है वो है पेपर वन ऑब्जेक्टिव, पेपर टू ऑब्जेक्टिव। दोनों की तैयारी सही से हो जाएगी यदि आप जो मैं चीज बता रहा हूं उसको ईमानदारी से फॉलो करेंगे। तो क्या चीज मैं बता रहा हूं, जो चीज मैं बताऊंगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं नई चीज आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों किया गया होगा कि पेपर टू को सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बना दिया गया। अब ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा था कि भैया, जब ओल्ड पैटर्न पर यदि अपन बात करें, यदि हम ओल्ड पैटर्न पर बात करें, ये ओल्ड पैटर्न, पेपर टू में कितने क्वेश्चन आते थे? 6-7, बस मान लो 7 क्वेश्चन आते थे, उसमें से एक एक्स्ट्रा होता था, बोल देते थे कि भैया सॉल्व एनी 6। 7 क्वेश्चन देते थे, वो बोलते थे कि सॉल्व एनी 6। 50-50 नंबर का एक एक क्वेश्चन रखते थे, 300 नंबर का पेपर होता था। यहां पर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहां पर पहले मात्र वो लोग 6 क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए फ्रेम कर पाते थे। 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन लिखूं वही आप लोगों के लिए फ्रेम कर पाते थे। मतलब वो कंस्ट्रेंट हो चुके थे कि यार स्ट्रक्चर एनालिसिस से एक ही क्वेश्चन डालना है। अब स्ट्रक्चर एनालिसिस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, द मोस्ट फेमस मेथड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बस वही उठा के डाल दे आए हैं आज तक, वही उठा के डाल देते थे हमेशा। कंस्ट्रेंट हो गए थे वो, ट्रस्ट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाल पा रहे थे। 3-4 साल में एक बार डाल दिया तो डाल दिया, ऐसा हो रहा था। जियोटेक की बात करें तो
तो पूरे फाउंडेशन इंजीनियरिंग में से एक कोई क्वेश्चन डाल पाते थे। यदि फाउंडेशन इंजीनियरिंग से यदि एक क्वेश्चन डाल दिया तो फिर इधर हमारे जो सॉइल मैकेनिक्स है वहां से कोई क्वेश्चन नहीं डाल पा रहे थे। वो इफेक्टिव स्ट्रेस वाला टॉपिक छूट जा रहा था उनसे, अर्थ प्रेशर एनालिसिस उनसे छूट जा रहा था, तो उनको एक ही क्वेश्चन डालने का मौका मिलता था हर एक सब्जेक्ट में से। कई बार तो ऐसा होता था कि कई सब्जेक्ट छूट जाते थे, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से तो आ ही नहीं पाते थे क्वेश्चन, ऐसा हो जाता था। मेंस में इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, ऐसा हो जाता था भैया। तो ये तो बड़ी चिंता का विषय हुआ उन लोगों के लिए कि यार छह क्वेश्चन डालना है, सब्जेक्ट हमारे पास में 12 है, कोई कोई ना कोई सा सब्जेक्ट तो छूट ही जाएगा जिसको हम कवर ही नहीं कर पाएंगे इस पेपर में। इस प्रॉब्लम को उन्होंने बहुत गहराई से लिया और फिर उन्होंने क्या किया, एक न्यू पैटर्न बना दिया। तो उसमें लिमिटेड सब्जेक्ट यहां पर कवर हो रहे थे, इस छह क्वेश्चन के अंदर लिमिटेड सब्जेक्ट ही वो लोग कवर कर पा रहे थे। इवन जो भी सब्जेक्ट वो कब लेना चाहते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो लोग जियोटेक लेना चाहते थे, तो जियोटेक में भी वेराइटी ऑफ टॉपिक्स है, लेकिन वो कंस्ट्रेंट हो गए थे कि डालना है तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन डालना है। तो चलो इस साल फाउंडेशन इंजीनियरिंग डालो, अगले साल चलो सॉइल क्लासिफिकेशन डालो, तो वो कंस्ट्रेंट हो गए थे। वो चाहकर भी एक ही सब्जेक्ट से दो या तीन क्वेश्चन नहीं डाल पा रहे थे, तो लिमिटेड सब्जेक्ट्स पर वो कंस्ट्रेंट हो चुके थे। लिमिटेड टॉपिक्स, कोई भी सब्जेक्ट यदि वो उठाते थे तो उसमें भी वो एक ही टॉपिक के क्वेश्चन डाल सकते थे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन वो बढ़ा नहीं सकते। वो भले सब पार्ट्स बनाते जरूर थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लिमिटेड टॉपिक्स ही उनके पास हमको देखने को मिलते थे। तो लिमिटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन बन पाते थे, उन सब्जेक्ट्स में भी से भी लिमिटेड टॉपिक्स पर ही क्वेश्चन बन पाते थे। तो बहुत चिंता का विषय था उन लोगों के लिए। तो उन्होंने एक नया स्टाइल खोज निकाला, क्या करना है, पेपर टू को भी ऑब्जेक्टिव कर दो। तो उन्होंने न्यू पैटर्न आप लोगों के बीच में यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया और लिख दिया कि भैया आपका जो पेपर टू है इसको भी आप क्या कर दो, ऑब्जेक्टिव कर दो। तो ये थे आपके छह क्वेश्चन सब्जेक्टिव। अब से क्या होगा, अब आपके पास आ जाएंगे छह की जगह 100 क्वेश्चंस। लो भैया 100 क्वेश्चंस, और ये अब क्या हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव। इससे उनका क्या फायदा हुआ, एक वाइड रेंज मिल गई उनको। सोच रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक वाइड रेंज मिल गई उनको, 100 क्वेश्चन बना सकते हो आप पूरी सिविल इंजीनियरिंग से। हर वो सब्जेक्ट जिसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वहां से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इस 100 क्वेश्चन के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है मैं इरिगेशन से मेंस में कोई क्वेश्चन ही नहीं डालता था, अब वहां से भी क्वेश्चन मिलेंगे। मान लो जियोटेक यदि मैं कर रहा हूं तो उसमें से मैं परमेबिलिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं डालता था मेंस में, वहां से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस से भी मिल जाएंगे, कंप्रेशन कंसोलिडेशन स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप सबसे क्वेश्चन मिल जाएंगे अब आपको, क्योंकि 100 क्वेश्चन मुझे बनाना है। किनामेटिक इंडिटर्मिनेसी से क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉर्शन से क्वेश्चन मिल जाएंगे, बेंडिंग से क्वेश्चन मिल जाएंगे, कॉलम थ्योरी ऑफ कॉलम से, थ्योरी ऑफ फेलियर से सबसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास में 100 क्वेश्चन बनाने की ताकत आ चुकी है यहां पर। तो मैं वाइड रेंज कवर करूंगा पूरी सिविल इंजीनियरिंग का, हर एक टॉपिक को कवर करूंगा जिसको मैं यहां डाल नहीं पा रहा था। ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो प्री के क्वेश्चन के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखा जाएगा, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं क्योंकि ये मेंस है। क्या इनका क्वेश्चन का लेवल गेट के लेवल का होगा? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, गेट के लेवल का नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर बोल सकता हूं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल के तो रहेंगे, और साथ ही साथ गेट में जो वन मार्क के ऑब्जेक्टिव आते हैं उसके लेवल के ये क्वेश्चन हो सकते हैं। गेट में जो वन मार्क के ऑब्जेक्टिव आते हैं उसके लेवल के ये क्वेश्चन हो सकते हैं। अब यहां पर उनको मिल गया एक वाइड रेंज वेराइटी ऑफ क्वेश्चन डालने के लिए, वाइड रेंज उनको मिल गया यहां पर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यहां पर आपको दिए जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट्स अब आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें
आप लोगों को देखना पड़ेगी। ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं, वाइड रेंज ऑफ सिलेबस वो कवर कर पाएंगे, वाइड रेंज ऑफ सिलेबस वो लोग कवर कर पाएंगे यहां पर ऑल सब्जेक्ट्स। तो ये उनका दिमाग था जो उन्होंने यहां पर लगाया, ऐसा मुझे लग रहा है, और ये सच्चाई भी है कुछ हद तक, ऐसा मेरे सुनने में आया। अब हमको न्यू पैटर्न के बारे में सोचना होगा। तो न्यू पैटर्न से डरने की कोई जरूरत नहीं है, यदि आपने पढ़ाई कर रखी है तो चाहे ओल्ड पैटर्न हो चाहे न्यू पैटर्न हो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक बात, दूसरी बात, यहां पर 2 घंटे का ही समय है, 2 घंटे में आप लोगों को सॉल्व करने हैं लगभग 100 क्वेश्चन, तो चिंता मत करो आराम से हो जाएंगे 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं रहेंगे। कैलकुलेटर का सुविधा आपको दिया जाएगा ताकि आप कैलकुलेशन कर सके, कैलकुलेटर की सुविधा है इसमें। चलिए ये बात समझ में आ गया सर। अब जो हमारा टाइटल है कि दोनों की तैयारी एक साथ कैसे पैरेलली करें, क्या करना चाहिए दोनों की तैयारी एक साथ, आंसर इज यस। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि दोनों की तैयारी मैं एक साथ ना करूं, यदि कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि मैं दोनों की तैयारी एक साथ ना करूं तो गलत सोच रहा है, ऐसा नहीं करना आपने, दोनों की तैयारी एक साथ करिए। क्योंकि प्री के बाद जब मेंस का पेपर होता है तो इन दोनों एग्जाम्स के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता है, तो आप 2-3 महीने का गैप होता है, तो उस पीरियड में पूरा सिविल इंजीनियरिंग मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए जब भी आप शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई इस एग्जाम के लिए तो प्री और मेंस दोनों को साथ साथ चलाओ। अब दोनों को साथ साथ चलाना है तो आपको क्या स्टाइल होना चाहिए पढ़ने का, तो आप एक जो भी टॉपिक उठाते हैं किसी सब्जेक्ट का उसको कंप्लीट करो, उसकी थ्योरी उसका कंटेंट रेडी करो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाओ। एसएससी जेई प्री के तो क्वेश्चन देखते के साथ हो जाएंगे यदि आपने ईमानदारी से अच्छे लेवल पर थ्योरी कंटेंट पढ़ रखा है तो। खत्म प्री के क्वेश्चन पीवाईक्यूस, अब गेट के 1 नंबर वाले क्वेश्चन आप लगा लो और कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी क्वेश्चन लगा लो, तो आपकी ये मेंस के भी साथ साथ में प्रोसेस आगे चलती चली जाएगी। इससे जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ना उसकी कोई सीमा नहीं होगी, उसकी कोई सीमा नहीं होगी, वो अपार होगा। तो ये बहुत अच्छा किया है, इस डिसीजन को आपको अपनाना चाहिए। क्या हो रहा था कि वो आपके पूरे नॉलेज को चेक नहीं कर पा रहे थे, वो लिमिटेड नॉलेज को चेक कर पा रहे थे कि आपको वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स का नॉलेज है या नहीं, लिमिटेड क्वेश्चन के साथ में लिमिटेड चीजें चेक कर पा रहे थे। लेकिन मेंस की अपनी अलग बात होती है, इसमें भी दो राय नहीं है, मेंस में और डीप में चीजें आती है तो उसकी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अभी हुआ है वो भी हमको अपनाना होगा, और अच्छा हुआ है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कहीं ना कहीं इसमें भी आपका फायदा छुपा होगा। अब दोनों की तैयारी साथ साथ करते हैं हम, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दोनों को साथ साथ लगाते हैं। जब आप थ्योरी कंटेंट ईमानदारी से पढ़ते ना तो यकीन मानिए आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ साथ हो जाता है। आप लोगों को वो ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है कि भैया जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कोई चीज पकड़ू हूं, हाँ जैसे मैंने ये पकड़ा कि मान लो मैं जियोटेक पढ़ाता हूं, तो मान लो मैंने शेयर स्ट्रेंथ के टेस्ट पकड़े, मान लो मैंने शेयर स्ट्रेंथ के टेस्ट पकड़े, तो मैं क्या देखता हूं कि एक डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है, एक ट्राइक्सियल टेस्ट होता है। प्री के हिसाब से बच्चे क्या पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, अच्छा डायरेक्ट शेयर टेस्ट है, एक मशीन होगी उसमें सॉइल डालना है, फलाना करना है, हमको क्या मिलता है, शेयर स्ट्रेंथ मिलती है। तो बच्चों को इतना याद होता है कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट इज यूज्ड फॉर शेयर स्ट्रेंथ, इज यूज्ड टू डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ट्राइएक्सियल में, अच्छा डायरेक्ट शेयर टेस्ट के कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, वो उनको पता ही नहीं होते हैं, जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं लिमिटेशन पर भी। अब ट्राइएक्सियल टेस्ट पर आ जाते हैं, तो ट्राइएक्सियल टेस्ट में वो लोग क्या पढ़ लेते हैं, वो एक इक्वेशन पढ़ लेते हैं, σ1 = σ3 10² 45 + 5/2 + 2c 10 + 45 + 5/2, स्ट्रेस की जो इक्वेशन है हमारी, फेलियर एनवेलप। अब जब ये पढ़ लेते हैं इक्वेशन, उसके पीछे की उनको लॉजिक ही पता नहीं होते कि ट्राइएक्सियल टेस्ट जो है वो 2 स्टेजेस में होना चाहिए, कब वॉल ओपन रखना है, कब वॉल क्लोज रखना है, कब कंसोलिडेशन अलाउ करना है, कब कंसोलिडेशन अलाउ नहीं करना है, स्केम्प्टन पोर प्रेशर पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनको कैसे निकाला जाता है, ये सब पढ़ते नहीं है, बस ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं कि टेस्ट परफॉर्म करना है
तो ट्रैक्शन मशीन में कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? सीडी टेस्ट हो सकता है, रट लेते हैं, सीडी हो सकता है, सीयू हो सकता है, यूयू हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है? यूडी नहीं हो सकता, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन नहीं हो सकता, ये पढ़ डाला, रट डाला, खत्म। अरे ये टेस्ट कैसे हुए ये आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आप मेंस अटेंड कर पाएंगे अब यहां का, नहीं तो नहीं होगा आपसे। तो जवाब सीधा हिसाब है, प्री और मेंस की दोनों की तैयारी एक साथ करिए, करने का कोई अलग रूल नहीं है, कोई रामबाण नहीं है, सिर्फ एक ही रामबाण है, वो है आप ईमानदारी से कंटेंट पढ़िए। फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चंस पीवाईक्यूज एंड ऑल, वो तो बाद में आएंगे, पहले आपका थ्योरी कंटेंट आएगा, वो यदि आपने ईमानदारी से रेडी कर लिया, पेपर वन के क्वेश्चन हो या चाहे पेपर टू के क्वेश्चन हो, दोनों आपसे अच्छे लेवल पर बन जाएंगे, चिंता मत करिए। तो अब समय आ गया है आप लोगों को मैं एक ऐसे कोर्स की जानकारी दूं जो कि बेस्ट कोर्स है इंडिया का, मोस्ट लवेबल, मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट डिमांडेड कोर्स एसएससी जेई के लिए, वो है गेट एकेडमी का एसएससी जेई लाइव रिकॉर्डेड कोर्स सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। यदि आप वन ईयर की वैलिडिटी लेते हैं तो आप लोगों को 2000 रुपए में मिल जाएगा वन ईयर की वैलिडिटी, ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, ये भी इंक्लूडिंग जीएसटी, इसके अलावा आपको और कोई पेमेंट नहीं देना है। यदि आप 6 महीने का लेते हैं तो मात्र 1000 रुपए में एसएससी जेई नाम से, यदि आप बुक करेंगे तो 1 साल की वैलिडिटी, एसएससी जेई धमाका वाला कोर्स आप बुक करेंगे तो 6 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों दिया जाएगा, वर्कबुक्स दी जाएगी, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, प्री और मेंस दोनों की तैयारी होगी, मतलब हमारा जो पेपर वन की आज मैं आपको जानकारी दिया, पेपर टू की जो ऑब्जेक्टिव है उसकी जानकारी दिया, सब आपका यहां पर कंटेंट कवर हो जाएगा। तो चिंता करने की कोई विषय नहीं है आप लोगों को, सब अच्छे से कवर होगा। इवन जो ओल्ड पैटर्न पर बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो भी हमने यहां पर सॉल्व करवा रखे हैं, तो वो भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे, सब टेक्निकल सब्जेक्ट्स, सब नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पूरे पूरे यहां पर अवेलेबल है। बुक कहां से करना है? गेट एकेडमी की वेबसाइट पर जाना है और नीचे बहुत सारे कोर्स लिखे हैं गेट के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, आपको एसएससी का कोर्स सिलेक्ट करना है, एक फोल्डर एसएससी का लिखा हुआ मिलेगा, एक फोल्डर एसएससी धमाका देखा हुआ मिलेगा। आपको 6 महीने वाला 1000 रुपए वाला कोर्स चाहिए तो एसएससी धमाका पे क्लिक करना, आपको एसएससी जेई 1 साल वाला चाहिए तो एसएससी जेई फोल्डर पे क्लिक करना। तो दो अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, एसएससी जेई नाम से और एसएससी धमाका नाम से, आप बुक कर खोल लेना। लाइव वाले सेक्शन में जाना, आपको पेन ड्राइव, जी ड्राइव ये सब लिखा हुआ दिख सकता है, तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाना, वहां जाके अपना कोर्स बुक कर लेना। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कोर्स है, मोबाइल में चलेगा ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में चलेगा, आप बुक कर सकते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इन कोर्सेज को बाय करने की लिंक इस वीडियो के कमेंट में मैं डलवा रहा हूं, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप निश्चिंत रहिए, एकदम पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए पेपर टू को लेकर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, किसी भी प्रकार से पेपर टू आप लोगों के लिए नुकसानदायी नहीं रहेगा, वो सिर्फ आपका नॉलेज चेक करना चाहते हैं वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को लेकर, इसलिए पेपर टू इंट्रोड्यूस किया गया एक नए पैटर्न, एक नए स्टाइल के साथ में। तो डरना नहीं है, ऑब्जेक्टिव हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और करेंगे, कोई चिंता का विषय नहीं है। फोकस रहिए, दोनों की तैयारी एक साथ करिए, पेपर वन पेपर टू दोनों की तैयारी एक साथ चलने दीजिए, यकीन मानिए पेपर वन और पेपर टू की तैयारी आप तब एक साथ कर सकते हैं जब जो थ्योरी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, तब आप सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो पेपर वन की भी ढंग से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ईमानदारी से पूरा कंटेंट पढ़िए, फिर चाहे पेपर वन के क्वेश्चन हो या चाहे पेपर टू के क्वेश्चन हो, आराम से आपसे बन जाएंगे, फर्क ही नहीं पड़ता कि चाहे पेपर वन का हो कि पेपर टू का क्वेश्चन हो। यदि मेरा थ्योरी पर कमांड है, मेरे कंटेंट अच्छे हैं, मुझे फॉर्मूले याद रहते हैं, चाहे पेपर वन का क्वेश्चन चाहे पेपर टू का क्वेश्चन हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ना है, आराम से मैं कर पाऊंगा। ठीक है, इतनी बात। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं करता हूं यहां पर समाप्त। कोर्सेस को बुक करने की लिंक्स मैंने इस वीडियो के कमेंट में डाल रखी है, पिन कर रखा है, आप बिल्कुल कोर्स बाय कर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी बुक करिए, जल्दी पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, 2-3 दिन के लिए ही है, उसके बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा और इनके प्राइजेस जस्ट डबल कर दिए जाएंगे। तो क्यों फिर डबल प्राइस में कोर्स खरीदे, तो अभी सस्ते में मिल रहा है तो खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।